नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चंक्स की बिरयानी। ये बहुत ही इजी है, टेस्टी है। आप इसे प्रेशर में, कुकर में बनाएंगे तो 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा झंझट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए पहले हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम तेल डाल देंगे। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग डाल देंगे। फिर उसके बाद हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो जाए, हम उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अब प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो गई है, हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, दो हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से भुनेंगे, मीडियम फ्लेम में ही भुनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें कटा हुआ आलू डालेंगे और ये है सोया चंक्स। इसको मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉईल करके रखा था। अब हम इसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब चावल भी ऐड कर देंगे। चावल को आधा घंटे से पहले धोकर रख दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। फिर इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपको जितना चावल लेना है उसके डबल तो आपको पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है इसके, तो इसलिए मैंने 2 कप पानी डाल दूँगी। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पुदीना के पत्ते ऐड करेंगे। फिर हम इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और चक्रीफूल का पाउडर ऐड करेंगे। देसी घी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर की लीड बंद कर देंगे। हाई फ्लेम में एक व्हिसिल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। जब अच्छी तरह से गैस चली जाए प्रेशर कुकर से, हम लिड ओपन करेंगे। देखिए कितनी खिली खिली बनी है हमारी बिरयानी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इसे पापड़ या रायता के साथ एंजॉय कीजिए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक अगले नई वीडियो पे। टाटा बाय बाय।